बहुत ज्यादा भीड़ है मणिकरण गुरुद्वारा में। यहाँ बनते हैं चावल, ये बाफ उठ रही है, ये गर्म चश्मे की बाफ है, बहुत ही ज्यादा गर्म पानी। और ये बाफ देखो कितना तेज़ पानी का, उस टाइम कम फ्लो था, अब तो बहुत ज्यादा फ्लो है, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। दोस्तों जाम लगा हुआ पूरा दूर तक, 1-2 किलोमीटर का मणिकरण से वापस जा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हो रही है बारिश मणिकरण में बहुत ही ज्यादा, आप देख सकते हो एक नंबर का मौसम हो रखा है। अभी पार्किंग कर दी हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में, और ये यहाँ से मंदिर के जाने का रास्ता देखो बना हुआ, और इधर में पार्क करी हमने उधर में अपनी गाड़ी, तो अभी जाएंगे, लेकिन बारिश थम जाए तो मंदिर में गुरुद्वारे में जाएंगे, विजिट करेंगे, हम भी ब्लेसिंग लेंगे गॉड से, और ये बारिश रुक जाए तो और मज़ा आएगा। नीचे में पूरी मार्केट है, इस साइड में जाओ तो पूरा ये जो रास्ते से हम आए मार्केट ही पूरी जाएंगे। पहले हमारा प्लान था बीजी महादेव जाने का, लेकिन हम फिर रोड जो था हमने मणिकरण वाला चूज़ कर लिया, तो मणिकरण आ गया अभी, तो इसके बाद जाएंगे हम बीजी महादेव। बहुत ज़्यादा भीड़ है मणिकरण गुरुद्वारा में। पानी के अंदर नहीं, गर्म जो अच्छे है, ये गर्म पानी का चश्मा ना, आ जाओ ध्यान से, आ जाओ आ जाओ। अच्छा गुरुद्वारा भी विजिट कर लिया और अभी मंदिर में आए हैं, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ बनते हैं चावल, चावल उबले उबाले जाते हैं, बारिश ने थोड़ा वो काम खराब कर रखा, नहीं तो फिर ये गर्म पानी का चश्मा, वो चावल बनेगा पापा। भाई बोले फोटो क्लिक करनी है मेरी, रुको। तो ये कुछ नज़ारा है मंदिर का, देखिए सारी जो जितनी भी ये बाफ उठ रही है, ये गर्म चश्मे की बाफ है, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी। और ये बाफ देखो कितना तेज़ है पानी का, और ये सारा गुरुद्वारा का पूरा गुरुद्वारा इधर में मंदिर है, सो बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ, मज़ा। ये भाई के बोला कैमरे के साथ फ़ोटो क्लिक करवानी, मैं करवा ले भाई। पूरे बादल देखो चल रहे हैं ऊपर, यूट्यूब। ये वही है, लास्ट ईयर मैं यहाँ आया था ना, जब लास्ट ईयर सेम इन्हीं डेट्स में मैं यहाँ आया था, जब मैं ले वाले ट्रिप पे गया था, तो उस टाइम भी ऐसे ही, उस टाइम कम फ्लो था, अब तो बहुत ज़्यादा फ्लो है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज फ्लो। अभी चलते हैं, बारिश है, आ जा। दोस्तों जाम लगा हुआ पूरा दूर तक, 1-2 किलोमीटर का मणिकरण से वापस जा रहे हैं, और ये रास्ते में देखो पहाड़, कुल्लू पहाड़ के नीचे हम, लेकिन बंद होगी बारिश। ये है फादर कसोल में, हाँ कसोल में बहुत भीड़ रहती है यहाँ। पकड़ ला मैं कभी रोड, अभी हम आ गए हैं बीली महादेव वाले रोड पे ना, 10 किलोमीटर यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहा है, तो रोड थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी मणिकरण वाले रोड पे, जो बुंतर से टर्न लिया था हमने, और अभी उसी रोड पे बुंतर हम नहीं गए, पहले टर्न ले लिया हमने बीली महादेव के लिए, यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहा है, और 10 किलोमीटर के लिए अभी तो बारिश बंद है। बारिश के बाद ग्रीनरी मज़ा आ रहा है देखने, मौसम ठंडा है, पहुँच के देखते हैं बाबा जी के दर्शन। हाँ बादल तो भाई देखने आ रहे, मम्मी ने बोला दर्शन करने, बिजली पड़ती है 12 साल में एक बार वहाँ।
रास्ता बहुत कंजेस्टेड हो गया है। हाँ वेट वाले भी छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे एप्पल वाले। बढ़िया मौसम हो रखा है, बादल देखो पूरा बादलों को टच कर गए हम। तो जाएंगे ना फिर वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आगे से हमें बुक करनी पड़ेगी। प्लान में तब्दीली आती हुई है, क्या करें अब बताओ। हाँ, भाई अब ऐसा हो गया है कि देखो यहाँ किसी लोकल से पता किया हमने कि बिजली महादेव के लिए एक तो जहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी जाएगी, उसके बाद हमें कैंपर करना पड़ेगा और उसके बाद हमें आधा घंटा मिनिमम लगेगा चढ़ने के लिए बिजली महादेव के लिए। सो हमारे साथ मम्मी है, मम्मी से तो कल पराशर लेक भी 200 मीटर चला नहीं गया। ओके मम्मी को छोड़ के हम जा भी नहीं सकते कि हम चले जाएं। तो अभी हम यहीं से नमस्कार कर रहे हैं बिजली महादेव को हमने, क्योंकि देखो जब तक हेल्थ मेन तो हेल्थ है ना, बाबा को तो हमने नमस्कार कर दिया तो मेन हेल्थ है। सो अभी देखते हैं प्लान कुछ और कर रहे हैं। सो नीचे आने का रीज़न यही आपको बता दिया कि मम्मी से आप चला नहीं जाएगा आगे बिजली महादेव के लिए, ट्रैक नहीं कर पाएंगे मम्मी। हम कभी फिर कर लेंगे, तो मम्मी का तो देखना जरूरी था। तो इनको कुल्लू घुमाते हैं, कुल्लू की मार्केट लगे जो अंडर पड़ता है तो पूरा जाम लगा हुआ है बुंतर वाले रोड पे। भाई वो मेन हाईवे है बुंतर वाला। फिर कहां आगे भाई बुंतर में। सो हम हैं गुरुद्वारा सिंह सभा बुंतर में, अपना 500 का ये रूम हुआ है ना। सो आप भी कभी आते हो तो गुरुद्वारा बुंतर में है जहाँ आप बुक कर सकते हो रूम। यहाँ हमें 3 बेड मिले हुए हैं, डबल बेड है ये भी, उधर वाला भी डबल बेड है इधर में भी, और ये वाला भी डबल बेड है, इधर सिंगल बेड है। सोने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और कल वाले रूम से भी अच्छा है ये सोने के मामले में कि थोड़ी रेस्ट करेंगे हम। सो बिजली महादेव नहीं गए, हम यहीं स्टे करेंगे आज। सो मिलते हैं।